हेलो एवरीवन, टुडे आई हैव ब्रॉट कंप्लीट नोट्स ऑफ हिंदी चैप्टर वीरांगना चेन्नम्मा फ्रॉम क्लास 9 कर्नाटका. एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम चैप्टर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट. सो हियर द फर्स्ट मेन इज आंसर द फॉलोइंग. आंसर इन वन सेंटेंसेस, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, चेन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? इन विच डायनेस्टी वॉज चेन्नम्मा बॉर्न? आंसर, चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में हुआ था. शी वॉज बॉर्न इन काकतीय डायनेस्टी. सेकेंड, चेन्नम्मा का अर्थ क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ चेन्नम्मा? चेन्नम्मा का अर्थ है सुंदर महिला. मीनिंग ऑफ चेन्नम्मा इज ब्यूटिफुल वुमेन. नेक्स्ट, कित्तूर कहाँ है? वेयर इज कित्तूर? आंसर, कित्तूर कर्नाटक के बेलगावी जिले में है. कित्तूर इज इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. नेक्स्ट, चेन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ? हुम डिड चेन्नम्मा मैरी? आंसर, चेन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ. शी मैरिड टू राजा मल्लसर्ज. नेक्स्ट, शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया था? Who was adopted by Shivling Rudrasarj? Answer, Shivling Rudrasarj ने अपने संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था. One of his relative, गुरुलिंग मल्लसर्ज, was adopted by Shivling Rudrasarj. Next, चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहाँ बंदी बनाया था? Where was चेन्नम्मा imprisoned by the British? Answer, चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने बेलहोंगला के दुर्ग में कारागार में बंदी बनाया था. शी वॉज इम्प्रिजेंट बाई द ब्रिटिश इन द प्रिजन ऑफ बेलहोंगला. वेयर शी वॉज इम्प्रिजेंट इन बेलहोंगला. सो हियर आंसर इन वन सेंटेंस इज फिनिश्ड. नाउ सेकेंड मेन इज दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए. आंसर इन टू टू थ्री सेंटेंसेस. फर्स्ट इज, चेन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए. Here you have to write the names of Chennamma's parents. Answer, Chennamma ke mata aur pita ka naam Dhulappa Desai aur Padmavati tha. So her father's name was Dhulappa Desai and mother's name was Padmavati. Then second, Chennamma ko unke pita se kaun si kalaye praapt hui thi? Which arts and skills did Chennamma learn from her father? Answer, Chennamma ko apne pita se ghudsawari, शास्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं प्राप्त हुई थी. सो शी लर्न्ड मार्शल आर्ट्स सच एज हॉर्स राइडिंग, वेपन प्रैक्टिस एंड हंटिंग फ्रॉम हर फादर. सो व्हाट शी लर्न्ड, हॉर्स राइडिंग, वेपन प्रैक्टिस एंड हंटिंग फ्रॉम हर फादर. देन नेक्स्ट, कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए. राइट अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कित्तूर स्टेट. आंसर, कित्तूर राज्य व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था. देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहराते खरीदने आते थे. कित्तूर वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ ट्रेड. मेनी ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज टू कम टू द मार्केट ऑफ कित्तूर टू बाई प्रेशियस डायमंड्स एंड जेम्स. ओके, देन नेक्स्ट इज, कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था? What was the reason for the downfall of Kittur? Answer, Kittur ka patan shuru hone ka karan Shivling Rudrasarj ki laparwahi thi. Ve Chennamma ki salah ko hawe mein uda diya aur chatukaron se gehri dosti kar li thi. So the reason for the downfall of Kittur was the negligence of Shivling Rudrasarj. He did not listen to the advice of Chennamma and spent his time with unproductive people. He made friendship with time pass people. Okay. Then next question. Yellap Shetty or Venkat Rao Kittur ke bhed kholne kyun tayyar ho gaye? Why did Yellap Shetty and Venkat Rao agreed to share the secrets of Kittur? So answer. Thackeray ne Yellap Shetty aur Venkat Rao ko lalach diya ki vah unhe Kittur ka aadha aadha rajya saunp dega. इसलिए वह कित्तूर के भेद खोलने तैयार हो गए. अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड ठाकरे ही टेम्प्टेड बोथ ऑफ देम बाय प्रॉमिसिंग टू गिव हाफ डायनेस्टी टू ईच ऑफ देम.
what he promised? He promised to give half Kittur dynasty to each of them. By hearing this deal, they agreed to share all the secrets of Kittur. Then next, Karnatak ki janta ke liye garv ki baat kya hai? What is a matter of pride to the people of Karnataka? Answer, Karnatak ki janta ke liye garv ki baat hai ki कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई. सो द मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटका इज दैट द स्पार्क ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वॉज फर्स्ट स्प्रेड बाय कर्नाटकास हीरोइन चेन्नम्मा लेटर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड द सेकेंड मेन ऑल्सो, टू थ्री लाइन आंसर्स. नाउ नेक्स्ट मेन इज विलोम शब्द, पार्ट से चुनकर लिखिए. हियर वी हैव टू सेलेक्ट द एंटोनिम्स फ्रॉम द चैप्टर एंड राइट. सो अस्वस्थ स्वस्थ, कुरूप सुंदर, देश विदेश, शत्रुता मित्रता, बाहर अंदर, देशभक्त देशद्रोही, कायर वीर, पराजय विजय. द मीनिंग इज वेरी सिंपल. अस्वस्थ मीन्स अनहेल्दी हेल्दी, देन अग्ली ब्यूटिफुल, then home country, foreign country. Shatruta Mitrata means enmity, friendship. Then outside, inside. Then Deshbhakt means patriotic, and Deshdrohi means terrorist. Then Kayar Veer, coward and brave. Then Parajay means defeat, and Vijay victory. Then next main is Anya Ling Roop Likhiye. Here you have to write the other gender forms. You have to change the gender and write like Pita Mata, father mother, Rani Raja, queen king, Putri Putra, daughter son, then Bap Ma, dad mom, Dada Dadi, grandfather grandmother, then Sherni Sher, lioness lion. So you have to change the gender and write. Then next main is Jodkar Likhiye, that is match the following. चेन्नम्मा का जन्म सन 1778 में हुआ. चेन्नम्मा वॉज बॉर्न इन द ईयर 1778. देन चेन्नम्मा की कोख से जन्मा पुत्र शिव बसवराज. द सन ऑफ चेन्नम्मा वॉज शिव बसवराज. देन नेक्स्ट, शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु सन 1824 में हुई. शिवलिंग रुद्रसर्ज डाइड इन द ईयर 1824. देन डालहाउजी गवर्नर जनरल, ही वॉज द गवर्नर जनरल, हु डालहाउजी. देन चेन्नम्मा की जीवन ज्योति बुझी सन 1829. शी डाइड इन द ईयर 1829. इट्स वेरी इजी. देन नेक्स्ट मेन इज अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए. हियर अ सेंटेंस विल बी गिवन, यू हैव टू राइट वन वर्ड विच गिव्स द सेम मीनिंग फॉर द सेंटेंस. वन एग्जाम्पल इज गिवन, सी, एक से ज्यादा भाषा जानने वाला, बहुभाषी. The one who knows more than one language is known as multilingual. Okay, like that. Saman kharidne evam bechna. Buying and selling of goods is known as business or trade. Then, jhooti prashansa karne wala, chatukar. The one who praises falsely is known as false praiser. Then next, jinki koi santan na ho. The one who has no children is known as childless, that is nisantan. Then next, desh ke prati droh karne wala. The one who is disloyal towards his country is known as desh drohi, is known as terrorist. Then next, jo parichit na ho. The one who is not familiar is known as aparichit. Aparichit means unfamiliar, the one who is not familiar. Then last one, स्वयं को समर्पित करना, मीन्स टू डेडिकेट और सरेंडर वन सेल्फ, इज नोन एज समर्पण, मीन्स टू डेडिकेट, डेडिकेशन. ओके, देन नेक्स्ट मेन इज पुराने समय में युद्ध करने के लिए तलवार, भाले, तीर कमान आदि शास्त्रास्त्रों का उपयोग होता था. अब आप तीन वाक्यों में लिखिए कि अगर आजकल युद्ध होता है तो किस प्रकार के चीजों का उपयोग किया जाता है. See, in ancient time, if there was a war, they used to fight with swords, arrows, bows, etc. But now in today's generation, if there is a war, then what weapons will be used, that you have to write in three sentences. So here is the answer.
आजकल बहुत सारे नए नए तकनीकें आ गई है जिससे युद्ध काफी भयंकर होता है। परमाणु बम, मिसाइल, AK-47, न्यूक्लियर बम आदि जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। कभी कभी रिमोट कंट्रोल द्वारा ड्रोन और हवाई जहाज का भी प्रयोग किया जाता है। यह सारी चीजें हानिकारक है जो पूरे विश्व को तबाह कर देती है। See, nowadays many technologies have come up which are very dangerous, like nuclear bomb, missile, AK-47. These modern equipments are used in the war. Sometimes drones and airplanes are also used by remote control. And all these equipments are quite harmful as they destroy the whole world. So, like this, you have to write in three sentences. Okay? Then, next main is कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। हियर यू हैव टू ट्रांसलेट एंड राइट इन कन्नड़ा। ओके, इट इज गिवन इन हिंदी, यू हैव टू ट्रांसलेट एंड राइट इन कन्नड़ा। फर्स्ट वन, कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। सी, आई विल डिक्टेट द आंसर, यू नोट इट डाउन। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज कित्तूरु कर्नाटक राज्य द उत्तर भाग द बेलगावी जिले यल्लिदे। आई रिपीट, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಗೋದ್ಲಿಯ ಪುತ್ರ ಕೋ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಹಿ ಮಾನ್ತೆ ಥೇ. ಅಂಗ್ರೇಜರು ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅಂಗ್ರೇಜರು ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. देन नेक्स्ट, चेन्नम्मा ने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। चेन्नम्मा वळगोळगे तैयारी शुरू माडिदळु। आई रिपीट, चेन्नम्मा वळगोळगे तैयारी शुरू माडिदळु। नेक्स्ट, कित्तूर स्वतंत्र राज्य है। कित्तूरु स्वतंत्र राज्य। देन नेक्स्ट, चेन्नम्मा के पीछे 2000 योद्धा थे। चेन्नम्मा न ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ 2000 ಯೋಧರು ಇದ್ದರು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬೆಂಗಾವಳಿಗೆ 2000 ಯೋಧರು ಇದ್ದರು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಗ್ರೇಜೋ ಕೋ ದೊಬಾರಾ ಹಾರ್ ಮಾನ್ನಿ ಪಡಿ. ಅಂಗ್ರೇಜರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲವು ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಗ್ರೇಜರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲವು ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. I hope you have noted down the answers. Now the next main is, इस पार्ट में आए हुए सभी पात्रों की सूची बनाइए और उनके बारे में एक एक वाक्य लिखिए। See, in this main you have to make a list of all the characters present in the chapter and have to write one sentence about each. First, Chennamma. Okay? Chennamma कर्नाटक की एक वीरांगना थी। She was a brave woman from Karnataka. Then next, Dhulappa Desai. Chennamma ke pitaji the. Who was Dhulappa Desai? He was father of Chennamma. So one sentence if you write, that's enough. Then next, Rajamalla Sarj. Kittur Raja ke Raja aur Chennamma ke pati the. Who was Rajamalla Sarj? He was the king of Kittur and also Chennamma's husband. Then next, रुद्रम्मा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी। रुद्रम्मा शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मल्लसर्ज। देन नेक्स्ट, शिवलिंग रुद्रसर्ज मल्लसर्ज और रुद्रम्मा के पुत्र और कित्तूर के युवराज थे। हु वॉज शिवलिंग रुद्रसर्ज? ही वॉज द सन ऑफ मल्लसर्ज एंड रुद्रम्मा एंड ऑल्सो प्रिंस ऑफ कित्तूर। देन नेक्स्ट, डालहाउजी अंग्रेज शासन के गवर्नर जनरल थे। डालहाउजी ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश रूल। देन नेक्स्ट, येल्लप शेट्टी और वेंकट राव कित्तूर के दो देशद्रोही जो थैकरे से दोस्ती की। येल्लप शेट्टी एंड वेंकट राव दे वेर द टू टेररिस्ट फ्रॉम कित्तूर हु बिकेम फ्रेंड ऑफ ठाकरे। देन नेक्स्ट, थैकरे मीन्स ठाकरे अंग्रेज के सेनापति एवं चेन्नम्मा के विरुद्ध चाल चली। ही वॉज अ ब्रिटिश कमांडर एंड वॉज अगेंस्ट चेन्नम्मा। So like this, you have to write the name of the character and
one sentence you have to write about them. So these were the characters that you will see in the chapter. Then the last main is Anurupta. See, Anurupta, in this main, you have to look at the pair. You have to see the relation in the first pair and you have to apply the same relation in the second pair and solve it. Here, Chennamma ke pati Dhulappa Desai. Chennamma's father, who was Chennamma's father? Dhulappa Desai. And Chennamma's mother, Padmavati. Then second, Chennamma ke pati Mallasarj the. Who was the husband of Chennamma? Mallasarj. Then Chennamma ke putra. Who was the son of Chennamma? Shiv Basavaraj. Then next, Guru Siddhappa Kushal Divan. Who was Guru Siddhappa? He was a wise man. And Chennabasappa, he was a brave warrior. He was Veer Yuddha. He was a brave warrior. Then last one, 1778, Chennamma ka janm hua tha. Chennamma was born in the year 1778 and she died in 1829. Chennamma ki mruti hui 1829 ko, 1829 ko. Okay, so here we have completed the notes of the chapter. I hope it was useful. And if you like this video and if you want more such videos, then do hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you.